स्टेफ और जो है स्टेफलोकोकस कैसा है, एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि पेयर और क्लस्टर्स में ग्रो करता है। ये ह्यूमन स्किन का नॉर्मल फ्लोरा भी होता है और फोमाइट और डस्ट में भी पाया जाता है। ये स्टेफ जो होता है वो हीट और ड्राई एनवायरनमेंट में भी रेजिस्टेंट होता है, और एक बार अगर कोई सरफेस या कोई वस्तु इससे कंटामिनेट हो गई तो उसमें ये हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकता है। इसके स्ट्रेंथ्स को जो है डिवाइड किया जाता है कॉगुलेज, मतलब कि ब्लड का जो तोड़ने की क्षमता है उसके आधार पे। तो जो स्पीसीज इसकी, जो इसकी प्रजातियाँ ब्लड को तोड़ देती हैं उनको कॉगुलेज पॉजिटिव स्टेफ ऑरियस कहा जाता है स्टेफ, और जो नहीं तोड़ पाती हैं उसको कॉगुलेज निगेटिव। तो कॉगुलेज पॉजिटिव में हम लोग स्टेफ ऑरियस पढ़ते हैं, और कॉगुलेज निगेटिव को हम लोग कॉन्स भी कहते हैं, CONS कॉन्स, कॉगुलेज निगेटिव स्टेफाइलोकोकस। तो इसमें वो सारे बैक्टीरिया हैं जो स्किन के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, स्टेफ सेप्रोफाइटिकस, स्टेफ हिमोलिटिकस। तो ये लोग आम तौर पे इन्फेक्शन नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि पेशेंट को कोई कैथेटर ना लगा हो बाहर से। कैथेटर किसी भी फॉर्म में स्किन को ब्रीच करता हुआ, चाहे वो आईवी कैथेटर हो या आर्टेरियल कैथेटर हो या कोई संट पड़ा हो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट या फीडिंग ट्यूब पड़ा हो या एंडोट्रैकियल ट्यूब पड़ा हो, मतलब बाहर से अंदर तक जाने वाला कोई ऐसा कैथेटर हो, इंडवेलिंग कैथेटर, तो उसके थ्रू ही कॉन्स निगेटिव का इन्फेक्शन होता है और तभी वो वायरुलेंट और पैथोजेनिक हो पाता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए स्टेफ ऑरियस की, तो हमारे शरीर में जितने भी स्किन के अंदर और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होने वाले जो पायोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं, जहाँ मतलब कि मवाद बन रहा है, वो चाहे इम्पिटाइगो हो, फरंकल हो जिसको हम लोग बॉयल भी कहते हैं, सेलुलाइटिस हो, कोई एब्सेस हो, लिम्फेडिनाइटिस हो, या पैरोनिकिया मतलब नाखून का इन्फेक्शन हो, ओम्फेलाइटिस मतलब कि नाभि के चारों तरफ का इन्फेक्शन हो, या वुंड इन्फेक्शन हो, घाव, तो इस सब में जहाँ भी बलगम बन रहा है वहाँ हम स्टेफ के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेफ स्टेफलोकोकस ऑरियस। स्टेफ इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरीमिया बहुत कॉमन है। बैक्टीरीमिया का मतलब हुआ कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शन ब्लड में स्प्रेड कर जाए, बैक्टीरिया इन ईमिया, ईमिया मतलब ब्लड में, तो बैक्टीरिया के स्टेफ के ब्लड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक ना। और इसका ब्लड में इन्फेक्शन अगर होगा तो उसके साथ ऑस्टियोमेलाइटिस मतलब बोन का इन्फेक्शन, सपोरेटिव अर्थराइटिस मतलब जॉइंट में मवाद बन जाना, डीप एब्सेसेस गहरे अंदरूनी घाव, न्यूमोनिया, एम्पायमा मतलब वही फेफड़े की झिल्ली में मवाद पस का बनना, एम्पायमा थोरेसिस, और टॉक्सिन मेडिएटेड डिजीजेस जैसे कि
इसके कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो डायरेक्टली वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना करके जो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहा है उस टॉक्सिन से हम लोग को फूड पॉइजनिंग जैसा बीमारी हो जाता है कई बार, ये बड़ा ही कॉमन है। इसके बाद स्टेफलोकोकस से स्कारलेट फीवर और एस्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, ट्रिपल एस जिसको कहा जाता है, मतलब स्किन फफोला होगा फिर छोड़ देगा, एक तरीके से पूरी स्किन का जो सरफेस है वो हट जाता है, पूरा चमड़ा नंगा हो जाता है। एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS, ये सारे बहुत ही कॉमन है स्टेफ ऑरियस के स्ट्रेन के साथ। अगर इसकी इटियोलॉजी की बात की जाए तो ये हमारे शरीर में डायरेक्ट टिश्यू इन्वेजन के द्वारा भी बीमारी कॉज करता है और टॉक्सिन मेडिएटेड भी इंजरी कॉज करता है। ज़्यादातर स्टेफ ऑरियस के जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें ऐसा मतलब लूज पॉलीसेक्रेट का कैप्सूल पाया जाता है जिसे हम लोग स्लिम लेयर भी कहते हैं, और ये उसे हमारे शरीर के फैगोसाइटिक सेल्स द्वारा खाए जाने से बचा लेता है और इस तरीके से ये बीमारी करने में सक्षम हो पाते हैं। जो कॉगुलेज एंजाइम ये रिलीज करते हैं तो उसकी वजह से ये फाइब्रिनोजन को मतलब जैसे आमतौर पे क्या होता है, कोई इन्फेक्शन होता है ना तो ऑर्गेनिजम्स को आपस में बांध देता है फाइब्रिनोजन, लेकिन ये चूंकि कॉगुलेज रिलीज करता है तो कॉगुलेज एंजाइम की वजह से फाइब्रिनोजन ये काम नहीं कर पाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को आपस में क्लम्पिंग नहीं कर पाता है, और इस तरीके से वो क्लम्पिंग करके फैगोसाइट्स को बुला के इनको मरवा देता था नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अभी क्या है कि वो क्लम्पिंग नहीं कर पाएगा तो इफेक्टिव फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से जो कॉगुलेज होता है एंजाइम वो हमारे प्लाज्मा को क्लॉट बनाने में, कॉगुलेज कॉजेस प्लाज्मा टू क्लॉट बाय इंटरैक्टिंग विद द फाइब्रिनोजन, दिस मे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब एब्सिस फॉर्मेशन में ये कॉगुलेज एंजाइम मदद करता है, इसी की वजह से कॉगुल मैंने एब्सिस फॉर्म होता है। इसके अलावा प्रोटीन ए मिलता है इसमें जो कि स्टेफ ऑरियस के तमाम प्रजातियों में मिलता है, ये हमारे शरीर के इम्यूनोग्लोबुलिन जी के साथ स्पेशली रिएक्ट करता है और ये इन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडी जो होती हैं वो ऑप्शोनाइजेशन एक प्रक्रिया होता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है ना उसको चारों तरफ से एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं जाके चिपक जाती हैं, ऑप्शोनाइज कर देती हैं और फिर वो अट्रैक्ट करती हैं टी सेल्स को किल करने के लिए।
तो वो प्रक्रिया बाधित कर देता है, ये जो प्रोटीन ए है इसमें पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रजातियों में जो है कैटेलेज एंजाइम पाया जाता है। कैटेलेज एंजाइम जो है आम तौर पे कोई भी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन करता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शन करता है, सिवाय ट्यूबरकुलोसिस के। ट्यूबरकुलोसिस इंट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर मैंने सेल के अंदर जाके बैठता है। वायरस जितने होते हैं वो सब इंटर सेलुलर होते हैं, मतलब इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन करते हैं। टीबी भी सेल के अंदर जाके बैठता है, लेकिन बाकी बैक्टीरिया सेल के बाहर इन्फेक्शन करते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में। लेकिन इसकी कुछ प्रजातियों में कैटालेज एंजाइम पाया जाता है जो कि इसे सेल के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन परऑक्साइड को इनएक्टिवेट कर देगा, और इस वजह से ये सेल के अंदर भी सर्वाइव कर पाता है। कुछ और प्रजातियाँ होती हैं जो पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरीके से पेनिसिलिन और बीटा लैक्टेम ग्रुप के एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय कर देती हैं, वो उन पे काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा एक पीवीएल टॉक्सिन होता है, पीवीएल टॉक्सिन ये रिलीज करते हैं स्ट्रेस और इसके कुछ प्रजाति हैं जिसकी मैं कल बात कर रहा था, पेंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसाइडिन, एक तरीके का टॉक्सिन है जो स्टेफ ऑडियस की कुछ प्रजातियां रिलीज करती हैं, और ये जो प्रजातियां रिलीज करती हैं उन पे वैंकोमाइसिन भी काम मिलते हैं। मेथिसिलिन क्या कहा जाए, ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑडियस होता है, VRS, ठीक ना, वो प्रजातियां होती हैं। और अगर पीवीएल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में जगह 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 ना बड़ा बड़ा एब्सेस फॉर्म कर देगा, और आप कोई भी वैंकोमाइसिन सुन दीजिएगा काम। ये क्या करता है कि फैगोसिटिक जो सेल होती हैं ना हमारे शरीर में, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स और आपको लिम्फोसाइट, उनके सेल वॉल में ही ये होल बना देता है, ये पीवीएल होता है, पीवीएल टॉक्सिन लीक करा देगा उनके सेल वॉल को, तो काम ही नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को मार देगा ये। इसके अलावा स्टेफ ऑरियस की बहुत सारी प्रजातियां जो हैं कुछ खास तरीके के लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे अल्फा टॉक्सिन, बीटा हीमोलाइसिन और अल्फा हीमोलाइसिन। इसमें से अल्फा टॉक्सिन जो मैं रिलीज करती हैं, तो अगर वैसे अल्फा टॉक्सिन रिलीज करने वाले बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हो जाए स्टेफ ऑरियस में, तो वो सब नेक्रोसिस करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ मवाद बना देंगे, सेल को मार के नेक्रोटाइज कर देंगे, और मवाद पायमा इम्पायमा पॉस बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी तरीके से बीटा हीमोलाइसिन ग्रुप का अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो RBCs को तोड़ देंगी, रेड ब्लड सेल्स को, और अल्फा हीमोलाइसिन वाली जो प्रजातियाँ हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को तोड़ती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूसिंग और टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्टेफोरियस की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा स्टेफलोकोकस कुछ एंटेरोटॉक्सिन्स रिलीज करता है, जैसे टाइप ए बी C1 C2 D E। तो ये अगर किसी खाने वाले चीज़ पे ये एंटेरोटॉक्सिन रिलीज कर दे पहले, और वो खाना आप खा लें,
तो इमिडिएटली आपको वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है, और डायरिया इतना सीवियर हो सकता है कि आप हाइपोटेंशन में चले जाएं। 10 साल के उम्र तक अनुमानता ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग सभी हम लोग में से सब लोग ये पांचों में से किसी न किसी एंटेरोटॉक्सिन से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सोटॉक्सिन भी रिलीज करती है ये, जैसे एक्सफोलिएटिंस ए और बी। इनकी वजह से बुलस इम्पिटाइगो और स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम या स्टैफिलोकोकल स्कारलेट फीवर, ये डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से राइज होते हैं। ये एक्सफोलिएटिंस जो होती हैं, मतलब क्या कहा जाए, एक्सोटॉक्सिन है एक्सफोलिएटिन। तो एक्सफोलिएटिन क्या करता है, हमारे जो स्किन का मतलब लेयर है उसको सेपरेट कर देता है, डेस्मोसोम्स को अलग अलग कर देता है, और उसमें बैक्टीरिया इन्वेड करके जाके डीप एब्सिस फॉर्म करने में सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से एंटेरोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन भी रिलीज करता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन वन जो है, TSST1 इज एसोसिएटेड विद TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाला जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है उसमें ये वाला टॉक्सिन काम करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन वन, साथ ही फोकल स्टेफलोकोकस का इन्फेक्शन भी करता है। एंटेरोटॉक्सिन में ए और बी जो है वो नॉन मेंस्ट्रुएशनल वाला जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है उसमें ये रोल प्ले करता है, एंटेरोटॉक्सिन टाइप ए और बी, और मेंस्ट्रुअल वाले में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन वन काम करता है। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन है इसका, ये सब तो इसका टॉक्सिन और उससे रिलेटेड बातें थी। अब है कि इसका एपिडेमोलॉजी क्या है, तो कह रहा है कि मोस्ट न्यूनेट्स जो हैं पैदा होने के लगभग 1 हफ्ता के अंदर अंदर वो स्टेफ से कॉलोनाइज हो जाते हैं, और हम नॉर्मल इंडिविजुअल में से 20 से 30% जो है कोई ना कोई एक प्रजाति स्टेफ ऑरियस को कैरी करता है अपने नाक में, नाक के अंदर। तो जो हमें कहा गया ना पहले कि नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर, ये नाक में उंगली ना करने का कारण क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग नाक में से एक कोई ना कोई प्रजाति तो है यहाँ से लेंगे और लेके कहीं स्किन में कर देंगे। तो अभी पिछले साल हमको सीखने को मिला, दीपक जो है इसको क्या होता था कि मतलब इधर हिप रीजन में और बटक वाले एरिया में उसका एक घाव ठीक होता था तो दूसरा घाव चालू हो जाता था, और ऐसा उसी को नहीं हो रहा था, उसको और उसकी पत्नी को दोनों को हो रहा था। उसको परेशान था एकदम, एंटीबायोटिक खाता फिर हो जाता। तो परेशान होकर बाद में हमसे कहा कि यार ये क्या हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है एंटीबायोटिक कितना हम खाएं, एक ठीक हो रहा है तो 2 दिन के बाद फिर दूसरा हो जा रहा है। तो हम पढ़े, हमको नहीं पता था कि क्यों ऐसे हो रहा है, तो हम एक दिन बैठे पढ़े उसके बारे में कि भाई आखिर हो क्यों रहा है। गूगल किए कि भाई रिकरेंट जो है बटक साइड में इन्फेक्शन हो रहा है, बॉयल्स हो रहे हैं। तो वो कारण निकल के आया कि स्टफ जो है स्टेफ ऑरियस ये हमारे नाकों में रहता है, और हम लोग की आदत होती है कि और कहीं ना कहीं स्किन में अपले जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा था कि उसका साइकिल ब्रेक नहीं हो पा रहा था, और उसको हम फ्यूसी डॉक्स दिलवाए कि नाक में लगाओ फ्यूसी डॉक्स 1 महीना तक,
और क्लोरहेक्सीडिन मतलब सेफलॉन से नहाइए आप लोग, स्क्रब करके पूरा शरीर कि जो स्किन पर सरफेस पे कोई ऐसा स्पीसीज हो तो खत्म हो जाए। फिर एंटीबायोटिक का कोर्स 14 14 दिन का दोनों का चला, सेफ्टिन का, और तब जाके उन लोग का ये बीमारी खत्म हुआ। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुमको जो कि रिकरेंट इन्फेक्शन उनको उस एरिया में, बटक एरिया में मिलेगा, और पूरा वो मतलब परेशान करता है काफी, तो उसमें ध्यान रखना है। वो यही कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं नोज से स्किन तक, है ना, अम्बिलिकस से मैंने नाभि से, बजदानी के रास्ते से, और लैटरिन के चारों तरफ भी ये बैक्टीरिया परसिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से ये कैरी हो सकते हैं। सिंपल अगर हैंड वॉशिंग रखा जाए तो ये आपको बचा लेगा। हैंड वॉशिंग अगर आप किसी कांटेक्ट पर्सन से संपर्क में आए हैं तो भी, या आपके शरीर में अगर कहीं कॉलोनाइज्ड है तो वहाँ से स्प्रेड होने से। और फैक्टर्स जो कि इसके इन्फेक्शन के लाइकलीहुड को बढ़ा देते हैं उसमें है, कोई वुंड हो, स्किन डिजीज हो, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट पड़ा हो, बीपी संट, इनका माथा बढ़ जाता है, हाइड्रोसिफेलस हो जाता है, उनके दिमाग से नली स्किन के अंदर अंदर पेट में ला के छोड़ दी जाती है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूड होगा सी एस एफ वो यहाँ से पेट में आते रहेगा, पेट से एब्जॉर्ब होते रहेगा, उसको वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट सर्जरी कहा जाता है। उसमें एक संट डाला जाता है, वो संट अगर रहेगा तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इंट्रावेनस और इंट्राथीकल कैथेटराइजेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रहा हो, माल न्यूट्रिशन हो, पेशेंट एसिडोसिस में हो, और एजोटीनिया होता है कि ब्लड में आपको यूरिक एसिड वगैरह का लेवल बढ़ा हो। वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी स्टेफ का इन्फेक्शन करा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उखाड़ के जाता है, एपिथीलियम को क्या कर देगा, डैमेज करके गया तो इजीली ये इन्वेड कर देगा। भाई आपका बाहरी सरफेस का स्किन भी डेड है और अंदरूनी सरफेस का जो इस म्यूकोसा है वो उस लाइनिंग को डैमेज कर देगा, तो बाहर से डैमेज हो कि अंदर से डैमेज हो तो स्टेफ का इन्फेक्शन के चांसेस जाते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो इंटैक्ट स्किन और म्यूकोसल मेम्ब्रेन ये बैरियर की तरह वर्क करता है स्टेफ के लिए। इनमें कहीं डिफेक्ट आएगा किसी चोट लगने से, ऑपरेशन से, या फॉरेन सरफेसेस के वजह से, कैथेटर वगैरह के वजह से, या बॉन्ड के वजह से, तभी इन्फेक्शन का रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का बैरियर डैमेज होगा तभी स्टेफ का इन्फेक्शन, ये माइंड में रहना चाहिए। क्लू पॉइंट यही है आपके लिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो आप स्टेफ कब ब्रेन आपका पिक तुरंत पिक करना चाहिए, जहाँ भी एक्सटर्नल स्किन बैरियर और म्यूकोसल बैरियर डैमेज हो रहा है। या इसके अलावा पेशेंट को कॉन्जेनाइटल या एक्वायर्ड कोई डिफेक्ट हो उसके फेगोसाइटोसिस में, या कीलिंग में, या डिफेक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी हो,
तो उसमें चांसेस इस टाइप के इन्फेक्शन के बढ़ जाता है। HIV का पेशेंट हो तो भी, तो अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें हमें इम्यून डिफेक्ट्स को एवेल्युएट कर लेना चाहिए, खासकर न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन को। क्या करें, ठीक है। अब अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होगा उस टाइप की बीमारी आएगी। स्किन में इम्पेटाइगो, एक्टीमा, बुलस इम्पेटाइगो, फॉलिकुलाइटिस, परंकल, कार्बंकल, स्टेफलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम और इस तरीके के स्कारलेट फीवर, ये सब कॉज करता है। रिकरेंट फरंकुलोसिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ अननोन कॉज एंड इज एसोसिएटेड विद रिपीटेड एपिसोड ऑफ पायरोडर्मा ओवर मंथ टू इयर्स। रिकरेंट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस इज नोटेड विद कम्युनिटी एसोसिएटेड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट MRSA स्टेफ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ न्यूमोकोकल स्किन इन्फेक्शंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात की जाए तो मैंने जैसे कि बताया था, हम लोग निमोनिया के लिए चूँकि स्टेफ पढ़ रहे हैं तो कहीं भी जहाँ, चूँकि इसका जो इन्फेक्शन होता है उसमें नेक्रोसिस कॉमन चीज़ है, सेल नेक्रोसिस कराएगा। न्यूमेटोस आपके जो लंग के सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा, नेक्रोसिस करेगा, तो मवाद बनने के चांसेस ज़्यादा होगा। ओटाइटिस मीडिया और साइनोसाइटिस उतना कॉमन नहीं है, ये कॉमनली कॉज नहीं करता, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस करता है उस लिहाज से ये ओटाइटिस मीडिया और साइनोसाइटिस में बहुत ज़्यादा इसको नहीं पाया गया है। लेकिन वायरल क्रॉप जो होता है जिसमें इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है उसको ही कॉम्प्लिकेट कर सकता है स्टाफ उसके बाद, ठीक ना। इसी तरीके से निमोनिया की अगर बात की जाए तो इसके निमोनिया में हाई फीवर, एब्डोमिनल पेन, टैकेपनिया, सांस का रफ्तार तेज होना और लोवर निमोनिया ज़्यादा करता है। इम्पाइमा करेगा, फेफड़े की झिल्ली में बलगम बना वो मवाद बनाएगा और निमाटोसील फॉर्म करता है। निमाटोसील होता है ना कि फेफड़ा का एक हिस्सा ऐसे डैमेज हो गया और उसके चारों तरफ जो झिल्ली है वो फॉर्म हो गई, तो इसे निमाटोसील कहता है। एक्सरे में दिखाता है वो। और ब्रोंकोप्लूरल फिस्चुला